तो आ गए, शुरू करें SS। यही वाला क्या चैप्टर था, कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर इन आर्किटेक्चर। शुरू कर, बातें क्या करना, फटाफट काम निपटाते हैं। बातें करके क्या मार्क्स आने वाले, नहीं आने वाले, चलो इधर जाने दो। चलो तो ढोला वीरा के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो में हड़प्पा के बारे में पढ़ा था, राइट? ओके, सो व्हाट इज रिटन इन टेक्स्ट बुक अबाउट ढोला वीरा? द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज कंटेम्पररी टू हरप्पन सिविलाइजेशन। जो जब हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, जिस दौर में बसा था, उसी दौर के कुछ ऐसे और साइट्स मिले हैं, ठीक है, जैसे कि एक मिला है कहां पर हमको, ढोला वीरा में, ठीक है, जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम का ही है, तो ऐसा माना जाता है कि वो हरप्पन सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, ठीक है, उसी समय का था, ठीक है। मतलब डेटिंग वेटिंग करते हैं ना हम लोग, कार्बन डेटिंग वगैरह टेक्निक, हम एज पता करते हैं, तो एज पता करने से पता चला कि हरप्पन सिविलाइजेशन जिस दौर में माना गया है, उसी दौर में ढोला वीरा की साइट भी उसी दौर में बसी हुई मानी जाती है। ओके, कहाँ है ये? इट इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम ढोला वीरा विलेज। ढोला वीरा एक विलेज है, जो कि ये जो साइट है हमारी, जहाँ पर ये शहर बसा हुआ मिला है, एक तरह का जो अरेंजमेंट मिला है हमको, साइट मिला हुआ है, वो ढोला वीरा विलेज से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कहाँ पर? खादर बेट पे, ठीक है। वो कहाँ पड़ता है? भचाऊ तालुका में, ठीक है। पूरा डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया, पूरा कच्छ का एरिया, पूरा डेजर्ट है, आपको पता है ना, कच्छ वुच पूरा, ठीक है। तो उधर भचाऊ में, ठीक है, भचाऊ तालुका में खादर बेट जगह है, वहां पर ढोला वीरा विलेज है, ठीक है। मतलब ढोला वीरा विलेज से 2 किलोमीटर दूर, ठीक है, कहाँ पर है ये आपका साइट है, 2 किलोमीटर दूर। ओके, सो 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम धोलावीरा विलेज एट खादरबेट इन वास्ट डेजर्ट ऑफ भचाऊ तालुका, 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम भूज, भूज से 140 किलोमीटर दूर खादरबेट में ये मिला हुआ है। ओके, सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ गुजरात ने इसका सर्वे किया, ठीक है, पूरा मेजरिंग वगैरह करना, जो भी होता है इसको कहते हैं सर्वेइंग करना, कितने एरियाज में लोकेटेड है ये, कितना इसका स्पान है, ठीक है, कितने लेंथ में है, कितने ब्रेथ में है, अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें की सर्वेइंग कर दी किसने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ गुजरात। उसके बाद ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिटेल्ड रिसर्च वर्क इसके ऊपर कैरी आउट किया, कब? 1990 में, 1990 में, ठीक है, अब तो हम आज़ाद हो चुके थे, है ना। तो अब जो था किसकी गाइडेंस में काम हुआ, अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिस्ट, ठीक है, इनकी गाइडेंस में एक्सकावेशन का काम किया गया। एक्सकावेशन करना मतलब समझ रहे हो ना, खुदाई करना, उसमें ऐसे टिक्कम फाड़ा लेके खोदना खोदना निकालना चालू कर, ना ना ना, बड़ी ही बारीकी से काम करना पड़ता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, कई जगहों पर तो ऐसे ब्रश से मिट्टी हटा हटा के साफ करके पूरा ऐसे निकालना पड़ता है, बहुत टाइम जाता है इस तरह के एक्सकावेशन में, है ना। आप ऐसे नॉर्मली देखोगे ना, अगर बोला जाए खोदने के लिए ना, 2 दिन में खोद के निकाल दोगे, लेकिन उसको जिस तरह से वो लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोग जिस तरह से खुदाई वगैरह करते हैं ना, उसके लिए उनको कई साल लग जाते हैं, ठीक है। तो वही बात है, तो पूरा एक स्पेशल एक्सकावेशन का टास्क कैरी आउट किया गया, किसके लीडरशिप में? रविंद्र सिंह बिस्त जी के गाइडेंस में। ओके, कब हुआ ये? 1990 में, किसके थ्रू? ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। ओके, यहां पर क्या क्या मिला है? पैलेसेस एंड वॉल्स, किले मतलब महल मिले हैं, और दीवारें मिली हैं चारों तरफ घेरे हुए, उसको पूरा फोर्ट की तरह घेर के रखा हुआ दीवार मिला है, ठीक है, छोटा सा टाउन होगा, उसके चारों तरफ दीवार बनी हुई थी, बीच बीच में पैलेसेस थे, ये सब चीज़ें मिली हैं, ठीक है। और इसकी खासियत एक चीज़ ये थी कि सब पर वाइट कलर किया गया था, वाइट पेंट किया हुआ था इनको, ठीक है, पैलेसेस के भी पेंटिंग वाइट थी, दीवारों की भी पेंटिंग वाइट थी, सोचो क्या कलर यूज़ करते होंगे यार आज तक, है इतने सालों बाद भी वाइट कलर देखने को मिल गया, ग्रेट, है ना। तो ये वाइट पेंटेड थे। ओके, उसके अलावा सच फोर्टिफाइड वॉल्स सजेस्ट सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, इस तरह का वॉल बनाने का रीजन यार सबको पता चलता है, इतना तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये लिख दिया टेक्स्ट बुक वालों ने, क्योंकि तुम यार यही रटोगे ना, बड़ा करना पड़ेगा ना आंसर, है ना, नहीं तो छोटे में लिखना जाए तो इतना सारा पॉइंट कौन लिखता है, वही एक दो चीज़ घुमा घुमा के लिखी हुई है। अब दीवारें थी तो एक ही पॉइंट पर लिख देते भाई, बड़ी बड़ी दीवारें पाई गई हैं, जो सी सजेस्ट करती हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी कंसर्न थे लोग, और नहीं बताते तो भी समझ में आता कि चारों तरफ दीवार बनाने का रीज़न क्या था, है ना, वो खेलने के लिए थोड़ी था, इधर से उधर वॉलीबॉल खेलने के लिए थोड़ी दीवार बनाई होगी, है ना। तो सिक्योरिटी के लिए बहुत ही कंसर्न थे ये लोग, ऐसा इससे पता चलता है जिस तरह की दीवारें पाई गई हैं। ओके, ये दीवारें बनी किसकी थी? क्ले स्टोन एंड ब्रिक्स, क्ले तो समझते हो ना, वो मिट्टी है ना, पहले के ज़माने में लोग ना घर वगैरह बनाने के लिए क्ले का ही यूज़ करते थे, ब्रिक और जैसे अपन सीमेंट यूज़ करते हैं ना ब्रिक्स को जोड़ने के लिए, वैसे क्ले यूज़ करते थे। तो क्ले से और स्टोन से और ब्रिक्स से, स्टोन का भी यूज़ किया है उन्होंने, ब्रिक्स का भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ईंट वगैरह भी बनाते थे।
तो उन सबको मिलाकर ये दीवारें बनाई गई हुई हैं, ठीक है, ये रिमेन्स में पता चला है खुदाई से। यहां पर पीने के पानी की सुविधा अवेलेबल थी, पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर तो समझते हो ना, हाँ, पॉट में रखा हुआ पानी नहीं, पोर्टेबल मतलब पीने लायक पानी, ठीक है, उधर से कोई बोल रहा था पॉट में रखने वाला पानी, नहीं नहीं नहीं, तो पोर्टेबल वाटर मतलब पीने योग्य पानी भी यहाँ पर पाया गया है, ठीक है। और एक और बहुत खास चीज़ यहाँ पाई गई है, यहाँ वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम लगाया हुआ था, मतलब नहीं वो यूवी वाला नहीं, कैंटारो यूवी वाला नहीं, ना ना वो नहीं, ठीक है, वो हेमा मालिनी ऐड करते ना वो नहीं, नॉर्मली मतलब क्या है ना, प्योरिफिकेशन के लिए पहले के ज़माने में लोग प्योरिफिकेशन के लिए ना वो मतलब लाइम वगैरह, चूना वगैरह, रेती वगैरह इन सब का यूज़ करते थे, ठीक है, कंकड़ पत्थर रेती चूना इन सब की मदद से वाटर को प्योरीफाई किया जाता था। तो वैसा पूरा एक सेटअप मिला है कि लोग उस टाइम पानी को प्योरीफाई करके पीते थे, जो आज की डेट में शहरों में भी कई जगहों पर अवेलेबल नहीं है, जहां लोग पीने का पानी में लोग नॉर्मल जो पानी मिलता है उसी से काम चला लेते हैं, पी भी लेते हैं, उसी से कपड़ा भी धोते हैं, उसे नहाते भी वही पी भी लेते हैं, ठीक है, हर किसी को पीने का साफ पानी आज भी अवेलेबल नहीं है, सोचो। और वो उस ज़माने में आज से कई हज़ार साल पहले लोगों ने वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम बिठा रखा था, मतलब गजब थे यार ये लोग, गजब थे, गजब थे, गजब थे, तो गजब थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।